दोस्तों आज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जो वाकई देखकर बड़ा मजा आएगा आपको। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं घर पर ही गैस वेल्डिंग, और बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और इस प्रकार से आप भी बना के कुछ भी आप काम कर सकते हैं, उस पर जला सकते हैं कोई भी चीज, आप गैस वेल्डिंग भी कर सकते हैं। काफी तेज रोशनी होती है उसकी, काफी 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है जब उसके मुख से जो है जो अग्नि निकल रही होती है। तो भी मैं पूरा उसका प्रोसीजर में दिखाता हूँ कैसे क्या बनता है, तो उसके लिए आप वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिएगा और शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, तब मजा आने वाला है। दोस्तों चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी तो वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक की बॉटल कोई भी पुरानी ले लेनी है, या नई मिल जाए पुरानी जो भी है, इसको ये मेरी पुरानी बॉटल है, मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो आपको इसको लेना है। और दूसरी चीज़ ये लेना है जो अक्सर करके हॉस्पिटल वगैरह में आप देखते हैं उसका यूज़ होता है ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने में, इसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न सेट। तो ये इसको ले लेना है एक। और दोस्तों थोड़े से ये हमारे पास कार्बेट के टुकड़े हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के टुकड़े हैं दोस्तों, तो इनको भी अपना ले लेना होगा। इन तीनों चीज़ों को हम मिलाकर तो वेल्डिंग गैस हम बनाएंगे जो इससे गैस वेल्डिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा दोस्तों, इसके ढक्कन को खोल लेना है, और इसका जो ये ढक्कन है इसमें एक छेद बनाना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये छेद हो चुका है इसमें, इसके इस सिरे को जो है हमें इसके अंदर डालना होगा। छिद्र छोटा है। और ये आसानी से अंदर चला गया, ठीक है। अब इसको हमको ग्लू गन से जो है फिक्स कर देना है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे छिद्र से गैस निकल सकती है, तो इसके लिए हमें ग्लू गन में इसको जो है ग्लू गन से हम इसको फिक्स कर देंगे। और दोस्तों ये होगा हमारा ऑन ऑफ करने वाला, यहाँ से हम गैस को धीमा तेज कर सकते हैं। तो अभी करना क्या है हमें, इसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट के जो टुकड़े हैं बॉटल के अंदर डाल देने हैं। ओह माय गॉड, इसमें ऑलरेडी पहले से पानी था। इसको ऐसे हमको बंद कर देना, ठीक है। तो अभी इसमें हमको पानी डालना होगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये हो गया हमारा रेडी, आप देख सकते हैं इधर से ये लगा हुआ है और ये पाइप कुछ इस प्रकार से गया हुआ है, और इधर से आगे ये हम यहाँ पर लगाएंगे आग अभी, और ये जलेगा, ठीक है। इसमें ये रिएक्शन हो रहा है, टाइट हो रही बॉटल, और ये इसमें गैस पूरी भर रही है, ठीक है। अब इसमें गैस भर चुकी है और इसमें मैं आग लगाने वाला हूँ। बहुत तेज लाइट है और काफ़ी तेज जल रहा है, आप देख सकते हैं, इससे आप गैस वेल्डिंग पूरी तरह से कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया किस प्रकार से एक बॉटल में मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर और इसका एक्सपेरिमेंट आग लगाकर दिखाया है, गैस बिल्डिंग की जा सकती है इससे और आप इसको घर पे बना सकते हैं। थोड़ा डेंजरस है बट क्या है, बहुत सावधानी के साथ ही आप घर पर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जो आपके दिमाग में विचार आए हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे मैं और कुछ नई चीज़ें देखनी है एक्सपेरिमेंट में, कुछ चीज़ें ऐसी आपको जाननी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के दें, हम जरूर उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, तब तक के लिए।